एज अ टीचर आपने फर्स्ट डे स्कूल में ज्वाइन किया तो अंदर क्या चल रहा था? ये तो बाय लक ही हो गया कि जहाँ पे मैंने पढ़ाई की थी उसी जगह पे मुझे एज अ टीचर जॉब मिली. और टीचिंग इज लाइक अ ड्रीम जॉब फॉर मी, क्योंकि टीचिंग से हम कितने बच्चों को डेवलप कर सकते हैं, कितने बच्चों का करियर बना सकते हैं. तो बिंदिया मैम से मैं ज्यादा फेमिलियर थी, तो मैं जस्ट बिंदिया मैम का कॉल आया कि यहाँ पे मतलब टीचर की रिक्वायरमेंट, आप कल आके ना यहाँ पे डेमो दे दो, इतने बजे का टाइमिंग है. तो डेमो दिया, इंटरव्यू हुआ. तो दो दिन बाद मेरे को मैम ने कहा कि वही इसकी अगले दो दिन बाद आपकी ज्वाइनिंग है, तो ज्वाइनिंग हो गई. और जर्नी जो है अभी कैसी चल रही है, कितना टाइम हो गया आपको स्कूल के साथ? मेरे को 2.5 years हो चुके हुए हैं. और जर्नी जितना मैंने एज अ स्टूडेंट नहीं सीखा उतना मैंने उससे ज्यादा दिवप्रीत मैम ने मुझे एज अ टीचर सिखाया. तो कभी ऐसा लगा है कि यार मैंने टीचिंग ही क्यों ज्वाइन की? नहीं, कभी ऐसा तो नहीं लगा कि टीचिंग, किसी पॉइंट पे हो जाता है कि चलो अब, पर ये नहीं, मैं प्रोफेशन चेंज करने के बारे में सोच ही नहीं सकती. सेंस ऑफ द टाइम्स पर मैं हूँ जसप्रीत कौर शेरगिल और हाजिर हूँ आज का पॉडकास्ट लेकर. और आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं पलक शर्मा, जिन्होंने जिस स्कूल में पढ़ाई की उसी में आज वो जॉब कर रहे हैं. उन्होंने एमकॉम की, बीएड की, और लक कह सकते हैं और हालात कुछ ऐसे बने कि अपनी सिस्टर को स्कूल लेने गए और वहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल गई और आज वो जॉब भी कर रहे हैं. बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हैं, जबकि कभी वो एक्टिविटी इंचार्ज बन जाते हैं, फिर ग्रुप इंचार्ज बन जाते हैं और आजकल वो कोऑर्डिनेटर का रोल भी निभा रहे हैं. सो आइए बात करते हैं पलक शर्मा से. बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू मैम फॉर गिविंग दिस टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन. फर्स्टली मैं बोलना चाहूंगी कि अगर मतलब ये तो बाय लक ही हो गया कि जहाँ पे मैंने पढ़ाई की थी उसी जगह पे मुझे एज अ टीचर जॉब मिली. और टीचिंग इज लाइक अ ड्रीम जॉब फॉर मी, क्योंकि टीचिंग से हम कितने बच्चों को डेवलप कर सकते हैं, कितने बच्चों का करियर बना सकते हैं. इट इज अ ड्रीम कम जॉब जो मैंने सोचा भी नहीं था, जो मुझे यहाँ पे आके एक्सपीरियंस मिला. एज अ अगर मैं बोलना चाहूँ, मैंने सबसे पहले शुरुआत ही एज अ स्टूडेंट भी सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल से ही की थी. wow. और एज अ टीचर भी मैं वहीं पे ही आई हूँ. ये बाय लक एक लक ऐसा बना कि मैं यहाँ पे एक अपनी सिस्टर को स्कूल लेने आई थी. जस्ट एक से मतलब मैम ने बोला कि यहाँ पे टीचर की रिक्वायरमेंट है. अगले दिन मैं स्कूल आई, मैम को डेमो दिया, इंटरव्यू राउंड हुआ, क्लियर हो गई. देन नेक्स्ट वन डे आफ्टर तो मैं वहां पे टीचर बन गई. तो कभी सोचा नहीं था जहां पे मैंने पढ़ाई की और वहां पे मैं एज ए टीचर यहाँ पे रोल प्ले करूंगी और इतना कुछ सीखने को मिलेगा जो कभी एज ए स्टूडेंट मैंने जो अचीव नहीं किया वो मैंने एज ए टीचर ज्यादा अचीव किया. वाह क्या बात है. और जब आप मतलब एज ए टीचर आपने फर्स्ट डे स्कूल में ज्वाइन किया तो अंदर क्या चल रहा था? बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि जिन टीचर्स से पढ़ी थी मोस्टली वही टीचर्स मेरे साथ कोलीग्स बन चुके थे. तो एक बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस था, क्योंकि जिनसे पढ़ना और उनके साथ काम करना, बैठना उनके साथ बैठ के खाना खाना, एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया लाइफ में. एक चेंज इतना ज्यादा कि कई बार हमें ये भी होता है कि लाइफ में हम थोड़ा ऑकवर्ड फील करना शुरू कर देते हैं कि उन टीचर से पढ़ना, उनके साथ बैठना थोड़ा अजीब लगता है. पर ये नहीं कह सकती कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, सबने अपना फुल सपोर्ट दिया. उन्होंने मुझे ग्रोथ करने में और हेल्प की. एक ऐसे मतलब ये नहीं अब अगर हम बोलेंगे कि टीचर्स ने मेरी हेल्प नहीं की, मुझे सपोर्ट नहीं किया. टीचर्स ने अपना फुल सपोर्ट दिखाया कि एज ए हमारा स्टूडेंट टीचर बना है तो इसको पूरी सपोर्ट देनी चाहिए, इनको पूरा आगे लेकर जाना चाहिए. तो हर टीचर ने मेरा फुल सपोर्ट किया. क्या बात है. और जब आपने स्कूल में आपने बताया कि है ना आप अपनी सिस्टर को लेने आए थे, तो प्रिंसिपल मैम को पता था कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है या आपने एजुकेशन के लिए? फर्स्ट इंट्रोडक्शन है एक्चुअली क्या था, यहाँ पे बिंदिया मैम है तो मेरी यहाँ पे बिंदिया मैम ने एडमिशन करवाई थी एज अ स्टूडेंट भी. तो बिंदिया मैम से मैं ज्यादा फेमिलियर थी, तो मैं जस्ट बिंदिया मैम का कॉल आया कि सिस्टर बीमार है, तो मैं उनको मतलब सिस्टर को लेने आई. तो बिंदिया मैम कहते कि क्या कर रही है. जस्ट मैंने बोला कि मैम मैंने अभी एमकॉम बीएड मतलब की है, क्लियर आउट की है. तो मैम कहते चलो फिर ठीक है, आके यहाँ पे कॉमर्स के टीचर की रिक्वायरमेंट है तो अब आके यहाँ पे ना मतलब इंटरव्यू दे दो. तो मैम का कि मुझे घर जाके, मैंने कहते रिज्यूम, मैंने कहा मेरे पास तो अभी है ही नहीं. कहते ऐसे घर जाके अभी मुझे रिज्यूम सेंड कर. तो मैंने रिज्यूम घर जाते मैम को सेंड किया. मैम ने शायद प्रिंसिपल मैम को दिखाया होगा. तो प्रिंसिपल बिंदिया मैम का दोबारा कॉल आ गया कि यहाँ पे मतलब टीचर की रिक्वायरमेंट, आप कल आके ना यहाँ पे डेमो दे दो, इतने बजे का टाइमिंग है. तो डेमो दिया, इंटरव्यू हुआ. तो दो दिन बाद मेरे को मैम ने कहा कि वही इसकी अगले दो दिन बाद आपकी ज्वाइनिंग है, तो ज्वाइनिंग हो गई. क्या बात है. तो घर पे कैसा माहौल था? घर पे तो बिल्कुल डिफरेंट माहौल था, क्योंकि मैं मतलब अभी तो जस्ट मैं कॉलेज पास आउट थी, रिजल्ट आया था.
तो रिजल्ट आने के बाद मैंने भी सोचा भी नहीं था कि मैं जॉब करूंगी, कहीं जगह पे अप्लाई भी नहीं किया. जस्ट एक ऐसा चेंज था कि जो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं अभी पास आउट होके और सीधा स्कूल. अभी एक दिन पहले मेरा मेरे ख्याल रिजल्ट आया था, ज्यादा डेज भी नहीं होते, एक दिन ही हुआ था. ओके एक दिन पहले रिजल्ट आया था, अगले दिन मैं जॉब पे इंटरव्यू देने आई थी. क्या बात है. मतलब और जर्नी जो है अभी कैसी चल रही है, कितना टाइम हो गया आपको स्कूल के साथ? मेरे को 2.5 ईयर्स हो चुके हुए हैं. और जर्नी जितना मैंने एज अ स्टूडेंट नहीं सीखा उतना मैंने उससे ज्यादा दीपप्रीत मैम ने मुझे एज अ टीचर सिखाया. जितना मैम ने मुझे एज अ टीचर ट्रेन किया है, जो जो मैंने एज अ आते ही पहले एक्टिविटी इंचार्ज की ड्यूटी ली, फिर मैम ने मुझे हाउस इंचार्ज बनाया, देन फिर अब मैंने मैम ने मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया. तो मतलब ये मैं बोल सकती हूँ कि मैम के एफर्ट्स और दोनों तरफ से एफर्ट्स उतने हुए हैं तभी मैं इतनी हुआ. तो मैम ने फुल सपोर्ट दिया मुझे तभी अभी अभी तक मैं यहाँ पे पहुंची हूँ. नहीं तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि आई एम अ वेरी मच इंट्रोवर्ट पर्सन. मैं इतनी इंट्रोवर्ट थी तो मैं यहाँ पे बैठ के सामने बोल भी नहीं सकती थी. नो डाउट जो फर्क है वो दिख रहा है, है ना? तो मैम ने भी आप में कुछ स्पार्क देखा होगा तभी तभी, है ना? और कभी ऐसा हुआ कि नो डाउट आपने बता दिया कि साथ वाले जो थे कुलीग्स बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट किया, बट कई बार ऐसा भी होता है कि साथ वाले बीच में से कुछ ना कुछ खुंदक निकालते हैं. हर पॉइंट पे, हर लेवल पे होता है, मैनेजमेंट है, हर जगह पे कुछ ना कुछ होता ही है. वो एक तरह पीस ऑफ पार्सल है. हर चीज के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है. तो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस चलता जाएगा, वो तो कभी खत्म नहीं होने वाला, लाइफ का पार्ट है. अच्छी चीजें बुरी चीजें दोनों चीजें आनी है. हर कोई अपने लेवल पे ठीक होता है. जस्ट हमारे एक पर्सन का ठीक होना दूसरे पर्सन का ठीक होना वो क्लैश हो जाता है. जी. हम किसी को गलत नहीं बोल सकते. बिल्कुल. वो ना किसी के लिए छे छे है तो दूसरे पर्सन के लिए वो नॉर्मल हो सकता है. बस प्रॉब्लम ये आती है कि सही और सही क्लैश हो जाते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है. बिल्कुल. और अभी आप कौन सी क्लासेस को टीच कर रहे हैं? 9 to +2 इज माय कोऑर्डिनेटरशिप और 9 to +2 में ही मेरी टीचिंग चल रही है. उन्हीं क्लासेस को मैं पढ़ाती हूँ. बेसिकली मैं कॉमर्स टीचर, तो मैं कॉमर्स को ही कॉमर्स फील्ड में ही स्टडी करवाती हूँ. तो बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है? वो तो आई थिंक सो बच्चे ज्यादा बेटर बताएंगे. नहीं, अपने आप को भी पता होता है कि बच्चे मस्का मतलब भी मारते हैं. मैं अपना काम बेस्ट करने में कोशिश करती हूँ, यही ट्राई करती हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को क्लेरिफाई हो. यही ट्राई होता है कि बच्चों को, अगर मुझे लगता है कि नहीं समझ आ रहा, मैं 2-3 बार दोबारा पूछती हूँ, रिस्पॉन्स लेती हूँ कि आपको नहीं आ रहा तो बता दो. कई बार हमारे लिए कुछ, क्योंकि कॉमर्स फील्ड ऐसी है जो 10th तक बिल्कुल रिलेट नहीं करती, किसी की उसके रिगार्डिंग कोई नॉलेज नहीं होती बिल्कुल. क्योंकि साइंस वगैरह फिर भी थोड़ा बहुत बच्चे ने पढ़ा होता है, आर्ट्स में भी SST वगैरह पढ़ी होती है. कॉमर्स इज द न्यू फील्ड, मतलब बिल्कुल 10th के बाद नया चैप्टर शुरू होता है, तो उसकी ABCD से लेकर Z तक जाना तो बच्चे के लिए सब कुछ नया होता है. तो +1 +2 में तो चलो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है ना कि हमने +1 कॉमर्स में कर ली, +2 9th 10th में. आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मार्केटिंग इज रिलेटेड टू कॉमर्स सब्जेक्ट, सो कॉमर्स फील्ड, सो दैट्स व्हाई आई एम मार्केटिंग आल्सो. ओके. तो कभी ऐसा लगा है कि यार मैंने टीचिंग ही क्यों ज्वाइन की? नहीं, कभी ऐसा तो नहीं लगा कि टीचिंग, किसी पॉइंट पे हो जाता है कि चलो अब, पर ये नहीं, मैं प्रोफेशन चेंज करने के बारे में सोच ही नहीं सकती. क्योंकि अब इतना लेवल आगे पहुंच चुकी हूँ कि अब मैं बोलूँ कि प्रोफेशन चेंज कर दो, वो ये बाय लक था, जैसे था अब तो यही है, यही पे रहेंगे. ये टीचर ही है बस. मन लग चुका है टीचिंग ही अब मेरा प्रोफेशन, इसको चेंज करने का तो सोच ही नहीं सकते. तो जो क्लासमेट्स थे स्कूल में, आपके फ्रेंड्स थे, उन्होंने नहीं कभी कहा कि हमें भी इसी स्कूल में जॉब करनी है, हमें तो किसी ने पूछा नहीं? आई थिंक सो मेजोरिटी ऑफ माई क्लासमेट्स, वो टीचर तो है ही नहीं कोई भी. मेजोरिटी एक मैक्सिमम एक दो होंगे, उससे ज्यादा कोई टीचर नहीं है. वो कोई ITs में है, कोई कुछ में है, मतलब फील्ड ही डिफरेंट है. आई एम द आई थिंक सो ओनली वन जो टीचिंग लाइन में बाय लक है या कैसे भी है. कोशिश मेरी भी बहुत, मतलब फील्ड तो कुछ सोची कुछ और थी, सोचा था CA का, फिर चेंज हुई अकॉर्डिंग टू कॉन्सिक्वेंसेज, अपने आप ही बनते गए और कहा पहुंच गए पता नहीं था. कह लो कि रास्ता मिलता गया पहुंचते गए. मतलब फिक्स्ड नहीं था कुछ पहले से, बस मिलता गया और पहुंचते गए. ये चीज थी. बात है, वो भी आपकी डेडिकेशन थी ना. अगर आप कहते हैं ना कि अधूरे मन से हम कुछ करते हैं तो हमें वो कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता. पूरे मन से जब हम अपनी पूरी लगन के साथ कुछ करते हैं तो फिर डेफिनेटली यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करता है. वही जो शाहरुख खान की लाइन थी. बिल्कुल. शाहरुख खान से पहले उसने भी पॉलो कोयलो है उनकी उठाई हुई है. और आपको क्या लगता है कि जो आज का यूथ है, जैसे लगता है कि नहीं हम पढ़ के क्या करेंगे, है ना, +2 के बाद IELTS करेंगे, फॉरेन चले जाएंगे, उनके लिए मैसेज, उनको क्या लगता है? पहली बात तो मैं इस
सिचुएशन में यही बोलना चाहूंगी कि ये सोच गलत नहीं है कि बाहर जाना, बाहर से अगर आपने पढ़ने जाना है तो पढ़ के जरूर आओ, पर सर्व अपनी कंट्री को ही करो. क्योंकि अगर आप बाहर पढ़ रहे हो, सर्व आप उन्हीं को कर रहे हो, फिर आप अपनी कंट्री में क्या कर रहे हो? आपने इतनी देर तक यहाँ पे पढ़ाई की, प्लस टू तक पढ़ाई की, पर आप यहाँ पे करने के बाद भी बच्चों का जस्ट ना, पंजाब में तो मोस्टली ये प्रॉब्लम है कि पंजाब के बच्चे ये बोलते हैं कि पंजाब में कुछ नहीं है, पर पंजाब के बाहर भी इंडिया है. इंडिया सिर्फ पंजाब से नहीं बना, तो आईटी सिटीज भी है हमारे यहाँ पे, बेंगलोर हैदराबाद का अकेला पंजाब नहीं है. अगर वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नॉट ओनली कनाडा, नॉट ओनली अमेरिका, वो भी सिटीज है जहाँ पे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं. बट अपनी कंट्री में भी अपॉर्चुनिटीज है, डेडिकेशन होनी चाहिए, उतने एफर्ट होने चाहिए, पैसा कमाना आना चाहिए. ना कमाने के तो बहाने बहुत ही होते हैं. बिल्कुल. और आप अपनी तरफ से यूथ को कुछ मैसेज, कुछ मोटिवेट करना चाहेंगे? मेरा बस यही मैसेज है सबको कि अपना जो भी काम करो, जो भी एफर्ट के साथ करो, हार्ड वर्क के साथ करो, किसी भी काम में अगर आप किसी भी पॉइंट पे रह जाते हो, ये मत सोचो कि हम फेल हो गए. हर फेलियर के बाद कोई सक्सेस हो ही जाती है. तो अपना एफर्ट करना मत छोड़ो, एफर्ट करते रहो, लाइफ कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको पहुंचाई देगी. बिल्कुल. और बात करने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए पलक, बहुत बहुत थैंक यू. और आप सच में बहुत पॉजिटिव सोल हो, और आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.